पर्यटन को बढ़ावा देने और आमजन को वन्य जीवों के प्रति जागरूक करने के लिए सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन को वन्य जीवों और पेड़ पौधों सहित प्राकृतिक छटाओं की खूबसूरत चित्रकारी से सजाया गया है, जिसके चलते सवाई माधोपुर देश का ऐसा पहला हेरिटेज रेलवे स्टेशन बन चुका है और रेल मंत्री से लेकर पीएम मोदी तक का पसंदीदा भी बन चुका है। एक रिपोर्ट दिखाते हैं। सवाई माधोपुर का रणथंभौर वन्य जीव अभयारण्य देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपनी प्राकृतिक छटाओं सहित बाघों की अटखेलियों के लिए प्रसिद्ध है। रणथंभौर की प्राकृतिक छटाओं की अनुपम धरोहर ही सैलानियों को लुभाने के लिए पर्याप्त है। इस विविधता को देखने के लिए हर साल लाखों सैलानी यहाँ घूमने के लिए आते हैं और पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ ही आमजन को वन्य जीवों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से ही सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन को वन्य जीवों के चित्रों से सजाने का काम किया जा रहा है, जो लगभग पूरा भी हो गया है। वहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने मन की बात में सवाई माधोपुर के इस रेलवे स्टेशन की जमकर तारीफ की और ये भी कहा कि स्टेशन हो तो ऐसा। इसमें विश्व प्रसिद्ध भारत WWF इंडिया के सहयोग से कार्य कराया जा रहा है। यह स्टेशन सवाई माधोपुर रणथंभौर टाइगर रिजर्व के बिल्कुल पास में है और यहाँ से जितने दर्शनार्थी देश विदेश के आते हैं गुजरते हैं, इसलिए यहाँ पे वन्य जीव तथा वन को देखते हुए चित्रकारी कराया जाता है, जो कि भारत का यह पहला ऐसा स्टेशन है जहाँ पे वन्य प्रेमी सर्वाधिक मात्रा में आते हैं। उसको देखते हुए लोगों को ऐसा आभास हो कि यहाँ पे रणथंभौर टाइगर रिजर्व है। सवाई माधोपुर का ये स्टेशन देश का ऐसा पहला स्टेशन है जहां इस तरह का अनोखा प्रयास कर लोगों को वन्य जीवों के प्रति जागरूक किया जा रहा है। चित्रकार गजानंद के अनुसार एक्रिलिक कलर से ये पेंटिंग बनाई जा रही है, जो 10 सालों तक किसी प्रकार से खराब नहीं होगी। पेंटिंग बनाने के बाद इन्हें लैमिनेट कर दिया जाएगा। रणथंभौर के प्रसिद्ध बाघों सहित अन्य वन्य जीवों की चित्रकारी भी की जा रही है और चित्रों को बनाने में स्थानीय कलाकारों द्वारा रणथंभौर आर्ट्स शैली का प्रयोग किया जा रहा है, जो देश विदेश में काफी प्रसिद्ध है। तो रणथंभौर नेशनल पार्क पूरा वर्ल्ड में माना हुआ है, तो जो भी पर्यटक या टूरिस्ट वगैरह देशी विदेशी आते हैं तो एक पहचान बने रणथंभौर आर्ट की, तो इसके जरिए रणथंभौर आर्ट हम पूरे रेलवे स्टेशन पे बढ़ा रहे हैं। उसके अंदर एक्रिल कलर यूज कर रहे हैं, तो एक्रिल कलर बहुत लॉन्ग टाइम तक रहता है। जो पेंटिंग कैनवास पर जो बनती है वही वाला हम इस दीवारों पर काम ले रहे हैं ताकि 5-10 साल तक कहीं नहीं। यहाँ आने वाले पर्यटकों का भी कहना है कि सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन पर उतरने के साथ ही मन प्रसन्न हो जाता है। लोगों का कहना है कि रेलवे को देश के अन्य रेलवे स्टेशन पर भी इसी तरह का अनोखा प्रयास करना चाहिए। वहीं सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन को देश का पहला हेरिटेज रेलवे स्टेशन घोषित किया गया है। सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन के साथ ही कोटा डिवीजन के भरतपुर रेलवे स्टेशन को भी इसमें शामिल किया गया है, जिसे द्वितीय चरण में वन्य जीवों के चित्रों से सजाया जाएगा। सरी पेंटिंग करने से सवाई माधोपुर स्टेशन का बहुत अच्छा विकास हुआ है और इसको देखने से स्टेशन का अलग ही रूप सामने आया है और इससे सवाई माधोपुर आने वाले यात्री या टूरिस्ट जो भी बाहर से जो भी आते हैं वो यहाँ से उतरते ही ये पता चल जाता है कि सवाई माधोपुर के अंदर क्या क्या है। ये फीलिंग तो राजस्थान की आ रही है कि हाँ कि राजस्थान में है, कुछ डिफरेंट लुक हुआ और उसके अलावा ऐसा कुछ कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत अलग है, डिफरेंट है, मतलब और स्टेशनों की जैसे हम अगर जयपुर से इधर आए तो थोड़ा सा डिफरेंट मिलेगा। वन्य जीवों की चित्रकारी से सजा सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन का नया हेरिटेज लुक पर्यटकों को मोहित करने लगा है। रेल मंत्रालय और विश्व प्रकृति निधि भारत और WWF के संयुक्त प्रयास से रेलवे स्टेशन के दीवारों पर वन्य जीवों सहित प्राकृतिक छटाओं की चित्रकारी कर रेलवे स्टेशन की सूरत में 4 चांद लगाने का प्रयास अब रंग लाने लगा है और यही वजह है कि इस बार के रेल बजट में रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने भी इसी रेलवे स्टेशन की जमकर तारीफ की और उम्मीद यही की जा रही है कि ये रंगत यूं ही बरकरार रहेगी और प्रदेश के दूसरे रेलवे स्टेशन भी अपनी छटा बिखेरने के लिए जल्द ही तैयार होंगे।
फर्स्ट इंडिया के लिए सवाई माधोपुर से सुदर्शन की रिपोर्ट। तो वहीं पर्यटन नगरी उदयपुर की सुंदरता भी किसी से छिपी नहीं है। इसको चरितार्थ किया है उदयपुर के रेलवे स्टेशन ने। जब रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने आज खुद अपने बजट भाषण के दौरान उदयपुर की तारीफ करते हुए कह दिया कि देश के सभी स्टेशन उदयपुर स्टेशन की तरह सुंदर बनाए जाएंगे। दरअसल उदयपुर रेलवे स्टेशन पर राजस्थानी संस्कृति को प्रदर्शित करती कलाओं ने आकर्षक दिखने के साथ साथ स्टेशन पर चार चंद भी लगा दिए हैं और यहां पर लिविंग वॉल, मोलेला आर्ट, राजस्थानी इतिहास को दिखाती पेंटिंग्स ने उदयपुर स्टेशन को एक अलग ही पहचान दी है। चलिए आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। दक्षिणी राजस्थान का उदयपुर शहर, जिसे हाल ही में देश के 20 स्मार्ट सिटी में शुमार किया गया है। स्मार्ट शहर के रेलवे स्टेशन को देखते ही इस शहर की खूबसूरती की तस्वीर का आभास बरबसी होने लगता है। और यही वजह है कि इस बार के रेल बजट का ऐलान करते वक्त रेल मंत्री सुरेश प्रभु भी इस रेलवे स्टेशन का नाम लेना और इसकी खूबसूरती का बखान करना नहीं भूले। आपको बता दें कि शहर के बीचों बीच बने स्टेशन पर इन दिनों सरकारी संस्थाओं और रेलवे प्रशासन के साझा प्रयासों से राजस्थानी संस्कृति से जुड़ी पेंटिंग्स कराई जा रही है। इन पेंटिंग्स के माध्यम से प्रदेश की संस्कृति, कलाओं और यहाँ के रीति रिवाजों को दिखाने की कोशिश की जा रही है। और इस रेलवे स्टेशन की दीवारों पर लगी लिविंग वॉल देश के किसी भी स्टेशन पर आपको दिखाई नहीं देगी। सुंदर फुलवारी को जीवित रखने के लिए ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग किया गया है और इसके साथ ही अंदर ही इलेक्ट्रिक फवारे भी लगाए गए हैं, जिससे रंग बिरंगे पौधों की ताजगी बनी रहे और सफाई का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। स्मार्ट सिटी के तहत उन्होंने स्टेशन को जो शामिल किया है और उसके तहत जो प्रगति हो रही है उसका सीधा असर हमारे यात्रियों को मिल रहा है और यात्रियों का जो रिस्पांस आ रहा है वो इतना पॉजिटिव आ रहा है कि वो खड़े रह करके फोटो ले रहे हैं। इसमें हमारी जो मेवाड़ की जो कल्चर है उसमें जो टेराकोटा आर्ट के थ्रू दर्शाया गया है, इसके अलावा नाथद्वारा की जो नाथद्वारा की पेंटिंग है उससे दर्शाया गया है, किशनगढ़ की आर्ट शैली को हम उसमें दिखा रहे हैं। लेक सिटी को निहारने आने वाले देशी और विदेशी सैलानियों की निगाहें यहाँ की कलाकृतियों को देखते ही एक बारगी ठहर सी जाती है। आकर्षित करे भी क्यों नहीं, यहाँ की लोक संस्कृति लिविंग वॉल की सौंधी महक हर खास आम को सम्मोहित जो कर देती है। और इसके साथ ही रेलवे स्टेशन के स्वागत द्वार पर बनी मोलेला आर्ट की पेंटिंग्स भी काफी आकर्षक है, जो विरासत और संस्कृति को जिंदा रख रही है। मिट्टी की कलाकृतियों का ये आर्ट अपने आप में अनूठा है। यहाँ आने वाला हर यात्री इस खूबसूरत स्टेशन पर अपनी सेल्फी खींचकर अपनी यादों में इसे संजोए रखने का हर प्रयास करता हुआ नजर आ जाता है। पेंटिंग्स हैं वो सब यहाँ की संस्कृति को दर्शाने वाले हैं। विभिन्न जिले हुए, हाड़े रानी यहाँ हुई, मीराबाई यहाँ हुए, प्रताप महाराणा यहाँ हुए, यानी इन सबको दर्शाना यानी उदयपुर को दिखाने का। कोई व्यक्ति है यदि वो थोड़े से समय के लिए भी उदयपुर आए तो वो उदयपुर से कुछ संस्मरण लेके जाए, फोटोग्राफ्स लेके जाए, सेल्फी लेके जाए। इस सबको देखते हुए हमारा भी मन बहुत खुश हुआ और मुझे भी देखकर बहुत अच्छा लग रहा है कि उदयपुर में इतनी सुंदर सी डिजाइन पेंटिंग बन रही है। क्योंकि जब स्मार्ट सिटी की बात होगी तो स्मार्ट सिटी में रेल भी आती है, प्लेटफॉर्म भी आते हैं और उसके टर्मिनल्स भी आते हैं, वो भी सुंदर होने चाहिए। इस सब को देखते हुए शायद लगता है कि प्रशासन इस पर ध्यान दे रहा है। मोलेला आर्ट जो मेवाड़ का एक इतिहास है, मोलेला आर्ट कहा जाता है, जो निश्चित रूप से मेरे दाईं ओर उसको लगा गया है। और रेलवे स्टेशन उदयपुर का, मैं तो कहता हूँ मैंने भी कई स्टेशन पे घुमा हूँ, उदयपुर का रेलवे स्टेशन वास्तव में स्मार्ट है, साफ सफाई बहुत बढ़िया है और ये कई वर्षों से मैं देखता आया हूँ। निश्चित रूप से इस कार्य को और आगे बढ़ाया है और जिस प्रकार से पेंटिंग चित्र यहाँ पर किए हैं ये संस्कृति को दर्शाते हुए विश्व के नंबर वन शहर उदयपुर में जो दर्शाया है, ये अन्य स्टेशन के लिए भी ये इसका एक उदाहरण पेश होगा। वाकई में उदयपुर के रेलवे स्टेशन पर बनाई गई कलाकृतियां
पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। और ऐसे में देश के रेल मंत्री द्वारा स्मार्ट शहर उदयपुर के रेलवे स्टेशन की तारीफ करने से अब प्रदेश के अन्य शहरों के रेलवे स्टेशन को भी इसी तर्ज पर आकर्षक बनाने की कवायद भी जल्द ही शुरू की जा सकती है। फर्स्ट इंडिया के लिए उदयपुर से मनु की रिपोर्ट।